नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा वीडियो आपको करोड़पति बना सकता है, क्योंकि आज हम आपके लिए 6 ऐसे मैथ प्रॉब्लम्स लाए हैं जो आपको 1 मिलियन डॉलर यानी 8 करोड़ रुपए दिला सकते। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पी वर्सेस एनपी। दोस्तों, ये कंप्यूटर साइंस की सबसे कठिन और अनसॉल्व प्रॉब्लम्स में से एक है और कई मैथमेटिशियंस इस पर माथा फोड़ी कर चुके हैं। दोस्तों, ये प्रॉब्लम कहती है कि P एक सेट है इजी प्रॉब्लम्स का और NP एक बहुत हार्ड प्रॉब्लम्स का सेट है। तो P इक्वल टू NP का मतलब है कि जितनी भी कठिन प्रॉब्लम्स है उनका कोई इजी सॉल्यूशन तो होगा ही, और इसी का एल्गोरिथम चाहिए जो कि नहीं मिला। द नेवियर स्टोक्स इक्वेशन। दोस्तों, ये इक्वेशन न्यूटन के 3 लॉस का फ्लूइड डायनेमिक्स वर्जन है। ये इक्वेशन हमें लिक्विड और गैस के अलग अलग कंडीशन में फ्लो के बारे में बताती है। दोस्तों, इस इक्वेशन को सॉल्व करने में एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सेट यूज होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई है कि एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है जिसका कोई फॉर्मूला ही नहीं है, जिस वजह से आज तक ये इक्वेशन अनसॉल्व है। यंग मिल्स थ्योरी एंड द क्वांटम मास गैप। दोस्तों, ये प्रॉब्लम सबसे सक्सेसफुल फिजिकल थ्योरी क्वांटम मैकेनिक्स की है। दोस्तों, यंग मिल्स थ्योरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और वीक एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस का क्वांटम बिहेवियर मैथमेटिकल स्ट्रक्चर में बताती है, लेकिन इसमें एक मास गैप का सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है जो कि एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस का मेन पार्ट है। द रायमन हाइपोथेसिस। दोस्तों, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो या तो खुद से या 1 से डिवाइड हो सकते हैं, और किसी भी नंबर को 2 प्राइम नंबर के सेट में तोड़ा जा सकता है। अब यहाँ से प्राइम नंबर्स के बीच के रिलेशन और उनके बीच में कितना एवरेज डिस्टेंस हो सकता है इसकी बात हुई, और इसी प्राइम के बीच के एवरेज डिस्टेंस का एक अनुमान या हाइपोथेसिस निकला, रायमन हाइपोथेसिस, जिसका सॉल्यूशन आज तक नहीं मिला। डायर कॉन्जेक्टर। दोस्तों, सबसे लंबी और सबसे पुरानी मैथमेटिकल स्टडी है पॉलिनोमियल इक्वेशन, जिन्हें हम x² + y² = z² के रूप में लिखते हैं, और कई एलिप्टिकल कर्व्स की स्टडी भी हम पॉलिनोमियल इक्वेशन के थ्रू करते हैं, लेकिन हमें इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का सॉल्यूशन एक होल नंबर या रेशनल नंबर में आज तक नहीं मिल पाया जो कि हमें चाहिए। दी हॉज कॉन्जरर। दोस्तों, एल्जेब्रिक ज्योमेट्री हमें डायमेंशनल शेप्स को एल्जेब्रिक इक्वेशन में बदलने में मदद करती है, जैसे कि y = x² हमें एक पैराबोलिक कर्व बनाने में मदद करता है। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे फिगर की डायमेंशन बढ़ती जाती है, एल्जेब्रिक इक्वेशन भी कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है, और इस कॉम्प्लिकेटेड एल्जेब्रिक इक्वेशन को सिंपल इक्वेशन में कैसे बदले इसका आज तक सॉल्यूशन नहीं मिला है, और यही हॉज कॉन्जरर है। तो दोस्तों, अगर आप में से कोई रामानुजन या आर्यभट्ट है जो इसका सॉल्यूशन जानता है, तो क्ले मैथमेटिक इंस्टीट्यूट को संपर्क करें और बन जाएं करोड़पति। धन्यवाद।